तो बच्चों, हमने आरटीआई 2009 के बारे में पढ़ा था, तो उसकी कुछ पॉइंट ये थे कि इसमें जी शारीरिक, जो आपको दंड के बारे में बताया था कि किसी प्रकार हम बच्चों को परेशान नहीं किया जा सकता, शारीरिक मानसिक रूप से भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि इनका आधार पर आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। देखिए, जैसे शारीरिक दंड है, उसके बाद मानसिक प्रताड़ना है और भेदभाव है। अब देखिए, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको इन चीज में शामिल किया गया है। शारीरिक दंड में किसको किया गया है, देखिए, मानसिक प्रताड़ना में किसको किया गया है, उसके बाद भेदभाव में किसको किया गया है। पहले देखिए, अब शारीरिक दंड यानी बच्चे को मारना, जैसे लात मार दिया, बाल खींच लिया आपने, थप्पड़ मार दिया, छड़ी से, जूते से मार दिया, डस्टर मारा, तो इस प्रकार की ये चीजें ये शारीरिक दंड में मानी जाएगी। अगर ऐसा करते हैं कोई शिक्षक विद्यालय के अंदर, तो वो दंड का भागी होगा और ये एक अपराध माना जाएगा। इसको आरटी 2009 के अंतर्गत धारा 17 के अंदर इसको अपराध माना गया है। और मानसिक प्रताड़ना, हम देखो, बच्चे पर कॉमेंट कसना यानी ताने कसना, बालक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, नालायक है, तुम आता नहीं है, तेरे को कुछ नहीं आता है, तू पढ़ता नहीं है, तो इस प्रकार हम नहीं कह सकते। और भेदभाव के अंदर कि बच्चे की जाति, लिंग, पारिवारिक व्यवसाय, धर्म, निजी स्कूल में 25% आरक्षण से व्यवहार में आने वाले परिवर्तन भेदभाव को बढ़ाते हैं, यानी किसी प्रकार का जाति सूचक शब्द या लिंग के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा करना भी अपराध है। अगर आप बोल रहे हो निजी विद्यालय में भी कि अब तेरा आरक्षण के आधार पर एडमिशन हुआ है, 25% बच्चे फ्री है, इसलिए तू पढ़ नहीं रहा, ये नहीं है, फीस नहीं देता, तो ऐसा भी अपराध माना जाएगा। उसके बाद देखिए, बच्चों को ऐसे स्थिति में खड़ा करना, मुर्गा बना दिया, क्लास के बाहर आपने उसको सभी बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, ये भी शारीरिक दंड है। डांटना, झिड़कना, जाति सूचक शब्दों से बुलाना, उंगलियों से इशारे करके इधर जा, ये जा, वो कर, ये भी गलत चीज है। और अपने शब्दों के माध्यम से स्कूल में जाति आधारित व्यवहार और पूर्वाग्रह को बनाए रखना, तो ये भी एक भेदभाव होगा। जाति के आधार पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे ये आरटी 2009 के कुछ ऐसे ये प्रावधान अपराध के अंतर्गत ही आते हैं कि ऐसा हमें क्लास में नहीं कर सकते बच्चों के साथ। अब कई ऐसे कार्य करवाना जो बच्चों की क्षमता से अधिक है, ईंटें उठा ली, उसको सफाई के लिए परेशान करना, पानी लाने के लिए, कई स्कूलों में कहते हैं घड़ा भर के लाओ, पानी के ड्रम भर के, ये गलत चीजें हैं। और बच्चों की शारीरिक विकलांगता यानी शारीरिक रूप से, या अगर कोई विकलांग है, मानसिक रूप से है, या ब्लाइंड है कोई, या चल नहीं पा रहा, वो पैर से विकलांग है, तो इस प्रकार की आप उसे खिल्ली नहीं उड़ा सकते, मजाक नहीं कर सकते, ये चीजें हैं। उसके बाद बच्चों की जाति लिंग के देखते हुए काम का विभाजन करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति लिंग के आधार पर विद्यालय, भोजन के दौरान पुस्तकालय, स्कूल सुविधाएं, खेल कूद, इसमें भेदभाव करना, ये भी नहीं कर सकते कि उच्च जाति का है जैसे आप, ये निम्न जाति का है, इसको सुविधा दी जाए खेलने की, इसको नहीं दी जाए, इसको लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में बुलाया जाए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते आप। इसके अलावा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को छोटा दिखना, तो उनके लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको झिड़क दिया, तेरे को कुछ नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तू घर बैठ जा, तेरे को पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों के अवसर और मनोरंजन के साधनों से वंचित करना, ये भी भेदभाव है कि जो बच्चा जिसकी जो योग्यता है उसी के अनुसार उसको अवसर देना चाहिए। मनोरंजन के लिए सुविधा होनी चाहिए, सब सब मनोरंजन की जो सुविधा है सभी को एक समान देना, तो ये सारी चीजें जो है ये भेदभाव के अंतर्गत आती है। बच्चों को प्रताड़ित कर अभिभावकों पर ट्यूशन का दबाव डालना, ये भी गलत चीज है कि किसी प्रकार आप बच्चों को परेशान नहीं कर सकते कि उस पर दबाव डालना कि बच्चा आपका पढ़ नहीं पा रहा, इसको ट्यूशन लगाना है विद्यालय के मास्टर के पास, अध्यापक के पास, तो ऐसा भी ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव, ये भी आरटीआई 2009 के कुछ ऐसे प्रावधान है जिनके अंतर्गत ये चीजें आ रही है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से बच्चे के शिक्षा के विकास के लिए उन्हें सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवाएं। तो बच्चों, आगे हम अब इससे आगे ये बढ़ने जा रहे हैं, NCERT 2009 की जानकारी के बारे में कि नेशनल करिकुलम फोरम वर्क फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCERT 2000। तो बच्चों, इसमें आपको बताया ये, तो इसमें विद्यालय के अर्थ संरचना संचालन में NCERT 2009 की कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है,
बातों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए नंबर एक पे क्या दिया गया है कि शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाएं क्या करें, विकसित करें। यानी जो शिक्षक हैं वो शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों में भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाएं होनी चाहिए, सामाजिक काम से संबंधित बातें होनी चाहिए जो बच्चे इस चीज को समझ सके, भावना के होनी चाहिए। तो ऐसे काम इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अब दूसरा इसके अंदर क्या शामिल किया गया कि शिक्षक बालकों को अधिगम क्रिया यानी सिखाने के लिए सक्रिय भागीदार के रूप में न देखें, न कि केवल ज्ञान प्राप्त के रूप में। वे बालकों के ज्ञान को सृजन की क्षमता को प्रोत्साहित करें, सीखने की प्रक्रिया में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किए करें, अधिगम को निजी अनुभवों पर आधारित अर्थ की तलाश के रूप में देखा जाना चाहिए, जो चिंतन पारक अधिगम का महत्वपूर्ण भाग है। यानी शिक्षक को बालकों के अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ उसका ज्ञान का विकास, उसकी योग्यता, उसके ज्ञान की क्षमता, इन सब में बच्चों को प्रोत्साहित करें। और सीखने की प्रक्रिया जो है वो बच्चों को प्राइमरी सेक्शन के अंदर रटने का प्रयास ना करवाया जाए, यानी उनको सीखने के लिए निजी अनुभव पर बताया जाए, विभिन्न प्रकार की कहानियां के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, यानी उदाहरण के माध्यम से उनको बताएं, ताकि वो अपने अधिगम को जो है उसको सीखने की प्रक्रिया को बढ़ा सके। तीसरा पॉइंट देखिए कि शिक्षकों को पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करनी चाहिए, ने कि जैसा दिया गया उसे वैसे के स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, उसके अच्छे बुरे के बारे में बताना, उसका विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के उसमें क्षमता भी होनी चाहिए कि हाँ जी ये आपने सही किया है, ये गलत किया है, ये इस प्रकार किया है। तो ऐसी चीजों का भी होना जरूरी है। तो ये तीन पॉइंट है। और इसके बाद हम चौथे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट बच्चों देखिए कि शिक्षकों को मानव अधिकार के परिप्रेक्ष्य में नागरिकता की शिक्षा को पुनः परिभाषित करना आना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण है, प्रकृति है, सामाजिक पर्यावरण से मेल पूर्व रहना, शांति और प्रजातांत्रिक जो लोकतांत्रिक जीवन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। संविधान में जो हमारे निहित समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष के मूल्य, उनकी घोषणा करना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम के अंदर ये चीजों को शामिल किया गया कि ये चीजें होना जरूरी है। इस बात की ये आवश्यकता की गई, यानी पांचवा पॉइंट देखिए कि इस बात में महसूस की गई कि शिक्षक बालकों की चिंता करें, उनके साथ रहने में आनंद अनुभव करें और समाज के प्रति अपना दायित्व अनुभव करें तथा अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयास करें। यानी बालकों की समस्याओं के प्रति वो संवेदनशील बने, सामाजिक न्याय, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए वो प्रयास रहे, कि हर स्थिति में अध्यापक को चाहिए कि हर समय हर स्थिति में बालकों की जो भी समस्या उनका अच्छे ढंग से समाधान के साथ साथ सामाजिक वातावरण के बारे में भी उन्हें समझाएं बताएं, सामाजिक न्याय है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके लिए उनको हमेशा तत्पर करें। और पॉइंट नंबर छह है, तो पॉइंट नंबर छह में देखिए कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को शिक्षकों को बालकों के विषय में पुस्तकों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान देना चाहिए, बालकों के वास्तविक जीवन संदर्भ से उसको जोड़ना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से समझ सकें। शिक्षक बालकों को मनो सामाजिक अभिधारकों, उनकी अधिगम संबंधी आवश्यकताओं, उनकी विशिष्ट क्षमताओं, अधिगम हेतु संज्ञानात्मक प्राथमिकताओं, अभिप्रेरणा को समझने सक्षम बनाना, उसे परिवार सामाजीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न बालक के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। यानी हर स्थिति से एक अध्यापक को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में हर स्थिति में बालकों के विषय से संबंधित, चाहे वो पुस्तक के ज्ञान हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो, चाहे परिवार का वातावरण है, उसको सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसे सम्मान करना चाहिए। यानी बालक के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए कि अच्छी बात है आपको इतना ज्ञान है और अधिक सीखने का प्रयास किए। यानी प्रोत्साहित हर समय हर स्थिति एक अध्यापक को बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी विशेषता, उसकी योग्यता, उसकी सीखने की व्यवस्था किस प्रकार है, उसकी आवश्यकताएं,
उनको समझने के बाद उसको मजबूत शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति उसे सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए। और परिवार का जो सामाजिक वातावरण है उसके बारे में भी ये कहना चाहिए कि वास्तव में आपका जो सामाजिक वातावरण अच्छा है उसके प्रति भी समान प्रदर्शित करना चाहिए अध्यापक को बच्चों के प्रति, और बच्चे भी उस ज्ञान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार ये कुछ चीजें हैं। अब सातवां पॉइंट देखिए हमारा, शिक्षक शिक्षा का बहुउद्देश्य आयामों दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसी व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास जाना चाहिए जिसके माध्यम से शिक्षकों के मूल्य, संभाव, आदतों के साथ साथ शिक्षण विद्या, अवधारणाओं, संख्यात्मक गुणात्मक मापदंड पर सही मूल्यांकन किया जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक शिक्षा के बहुउद्देश्य आयामों के अंतर्गत। उसके बाद आठवां पॉइंट देखिए, शिक्षक शिक्षा को कक्षों में पाई जाने वाली विविधताओं के अनुरूप अकादमिक अधिगम प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यक्तिगत वास्तविकताओं से जोड़ सकने में सक्षम होना चाहिए। अध्यापक क्या होना चाहिए, अध्यापक को भी ये पता होना चाहिए कि कक्षा कक्षा का जो वातावरण है, यहाँ की समस्या है, शिक्षण का वातावरण किस प्रकार होगा, और इन सभी सामाजिक और व्यक्तिगत को वास्तविकताओं को अच्छे ढंग से अध्ययन करें, उसके बाद ही ये पाठ्यक्रम सही रूप से प्रभावी हो पाएगा। अब देखिए उसमें कुछ चीजें दी गई हैं, दो तीन बिंदु देखिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी के तीनों समूह निर्मित करें, शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थियों और शिक्षकों के तीन समूह बनाए जाए जाने चाहिए। देखिए एक समूह में क्या दिया गया, इसमें विद्यालय की विशेषताएं बताई जाए, किसके बारे में, आरटी 2009 के, कि एक विद्यालय की विशेषता क्या होगी। आरटीआई 2 नंबर में देखिए विशेषता क्या होगी, 2 नंबर में देखिए विद्यालय की संरचना किस प्रकार होगी, 2000 और विद्यालय के संचालन के प्रमुख बिंदु किस प्रकार के होंगे इसके बारे में बताना चाहिए। तो इसके बारे में बताने से क्या होगा, जो एनसीएफटी है, जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है, उसके बारे में बच्चे अधिक ढंग से जान सकेंगे और आरटीई 2009 के बारे में भी इसको जान सकेंगे। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा 2009 जो है, इसके द्वारा विद्यालय की संरचना संचालन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। वर्तमान में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को सबसे अहम पहलू जो है वो विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। शिक्षण एक व्यवसाय है तथा शिक्षक शिक्षा शिक्षक की व्यावसायिक तैयारी के एक प्रक्रिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी तथ्यों और शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान तथा समझ, उसका व्यवहारिक कुशलता, शिक्षण अधिगम, व्यावसायिक अभिवृत्ति, मूल्यों को योजनाबद्ध तक मूल्यांकन होना चाहिए, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के दो पक्ष जो है, दो पक्ष पाठ्यचर्या क्रियान्वयन तथा अधिगम मूल्यांकन के नाम से जाने जाने चाहिए। इससे क्या होगा, विद्यालय का जो वास्तविक वातावरण से जुड़ाव कर विद्यालय के शिक्षक अधिगम को प्रभावी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, रूपरेखा जो शिक्षक शिक्षा 2009 है, उसमें इस बड़े स्तर पर ध्यान दिया गया कि शिक्षण बच्चों की व्यवस्था, एक अध्यापक का योग्यता, सामाजिक वातावरण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सभी चीजों में विस्तार से और अधिक जोर दिया गया, और विशेषकर इन चीजों के मूल्यांकन पर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो हमारा था 2009, जो उसके बारे में पढ़ा हमने, आरटीई 2009 के प्रावधान क्या थे इनके बारे में पढ़ा, प्राथमिक शिक्षा के बारे में ये पढ़ा हमने। अब देखिए हमारा टॉपिक आ रहा है शिक्षा का क्षेत्राधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुदाय और ट्रस्ट। तो बच्चों देखिए संविधान में निहित आधार पर भारत एक क्या है, जनतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। संविधान में शिक्षा केंद्र तथा राज्यों का विषय है, और हमारे देश में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार करने का दायित्व केंद्र तथा राज्य दोनों पर है। और वर्तमान स्थिति में हमारे देश में शिक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो व्यवस्था एवं प्रशासन कई प्राधिकरणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो कुछ प्राधिकरण है जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसके बाद होते हैं जो इस प्रकार है, केंद्र
केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार जो है वो शिक्षा से संबंधित काम करने का काम करती है, राज्य सरकार है राज्य स्तर पर करती है, स्थानीय निकाय इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, गैर सरकारी निजी यानी शिक्षण संस्थाएं। तो ये चार चीजें जो हमारी है इनकी शिक्षा विस्तार उसके विकास में बहुत बड़ी भूमिका है, यानी सभी मिलके ये काम करते हैं स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ गैर सरकारी विद्यालय अपने निजी क्षेत्र के जो विद्यालय है वो भी इनमें उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब देखिए कि केंद्र स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का होता है। किसका होता है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का होता है। ये मंत्रालय द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विभिन्न स्तर व क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ये मंत्रालय संसद में शिक्षा संबंधी क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण करता है। यह मंत्रालय संसद में शिक्षा संबंधी प्रश्नों के प्रति जवाबदेह होता है। इस मंत्रालय में एक मंत्री, दो उपमंत्री, शिक्षा सचिव, संयुक्त सचिव, सलाहकार व निदेशक होते हैं जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करते हैं। मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्य भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के अनुसार ही किया जाता है, यानी ये सभी कार्य केंद्र सरकार जो मिलके करती है वो मानव संसाधन मंत्रालय का। तो बच्चों मानव संसाधन जो मंत्रालय है, जो हमारा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, तो मानव संसाधन मंत्रालय जो हमारा है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको चेंज कर दिया गया। तो बच्चों देखिए ये चीजें जो हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र, ये केंद्र राज्य सरकारें, यानी इनकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों तो इस प्रकार केंद्र स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व किस पे है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय पर, ये आपको बताया। तो अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से संबोधित किया जाता है। और अब देखिए शिक्षा के जो क्षेत्र के अंदर, यानी सारी नीतियां इनके माध्यम से ही लागू की जाती है, केंद्र के माध्यम से, केंद्र संसद के माध्यम से ही कानून बनाए जाते हैं, नीतियां योजनाएं आदि बनाई जाती है। तो मंत्रालय द्वारा पूर्ण देश पर जितने भी शिक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये मंत्रालय अपने दिशा निर्देश के अंतर्गत अपने नीचे के जो अधिकारी हैं, नीचे विभाग, विभिन्न जो शिक्षा के केंद्र के विभाग हैं, वो सभी कार्य भारतीय संविधान में वर्णित जो भी अनुच्छेद है, यानी संविधान के कितने भी अनुच्छेद है उसी के अंतर्गत ही कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यानी शिक्षा का जो क्षेत्राधिकार के अंदर सबसे भूमिका जो बड़ी वो किसकी है? केंद्र की है। वैसे तो ये चार पॉइंट आपको बताए हैं, चार देखिए कि वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा की पूरी व्यवस्था क्या है, कि इसके जो व्यवस्था है और इसके प्रशासनिक जो है उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है, केंद्र राज्य स्थानीय निकाय गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थाएं इनके माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों ये क्या है, शिक्षा का क्षेत्राधिकार के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम आगे की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार के क्या दायित्व क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे।